तो भाई फाइनली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मैंने देख ली है। 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की मूवी है भाई, 3D के अंदर मैंने देखी। 3D के अंदर बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2D के अंदर भी देखते हो तो ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, पर लेकिन हाँ 3D में एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नेक्स्ट लेवल वाला नहीं मिलेगा भाई। इस मूवी की जो नींव है हमारे चैडविक बोसमैन, उन्हें बहुत शानदार तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो बीमार है, उनके लिए एक औषधि बनाई जा रही है, पर लेकिन वो औषधि बन नहीं पाती तो वो मर जाते हैं। पर लेकिन रियल में जो औषधि जो बनाई जा रही थी, जो आप 2018 के अंदर आई मूवी ब्लैक पैंथर में जो जड़ी बूटी जला दी गई थी जिससे कि ब्लैक पैंथर बन सकते थे, तो वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन उसकी इजाद की जा रही है इसके अंदर। तो उस टाइम तक वो इजाद नहीं हो पाई, इस चक्कर में वो मर गया है, वो दिखा दिया। मतलब हमारी जो प्रिडिक्शंस थी वो सारी की सारी फेल हो गई, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट दिखा दिया मरता हुआ। स्टार्टिंग में लगभग 10 से 15 मिनट लगाए इस चीज को खत्म करने में, माइंड में सेट कर दिया कि वो खत्म हो चुका है, उसके बाद नई कहानी शुरू हुई। पर लेकिन अब नई कहानी में जो शुरुआत है वो ये है कि वकांडा अब सुरक्षित नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कहीं का राजा खत्म हो जाएगा तो वो सुरक्षित तो नहीं होगा। वही हुआ है कि अब जो पूरी दुनिया है उसकी नजर वकांडा की तरफ, क्योंकि वहां पर है वाइब्रेनियम। अब वाइब्रेनियम पूरी दुनिया चाहती है क्योंकि उन्होंने जो है ना अब वाइब्रेनियम को देख लिया, वाइब्रेनियम के हथियार देख लिए जिससे बिल्कुल भी कोई भी भेद नहीं सकता, बहुत हाई लेवल के हथियार बनते हैं, तो उन्हें भी वो वाइब्रेनियम चाहिए। लेकिन एक तरफ तो वो वकांडा पर आक्रमण करना चाहते हैं, साथ ही साथ में उन्होंने एक समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम को खोज लिया है। भाई देखो मशीन जो बनाई गई है ना वाइब्रेनियम खोजने की, वो एक लड़की ने बनाई है जिसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया था कॉलेज के लिए, तो उस वाइब्रेनियम को खोजने वाली मशीन बना दी उसने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए। और भाई वो लड़की कौन है, तो वो अपनी आयरन हार्ट, मूवी मिलने वाली है आयरन मैन को रिप्लेस करने वाली बंदी, मतलब मैं कहता हूँ उस लेवल की तो नहीं जा पाएगी अभी, पर लेकिन आने वाले समय में हो सकता चली जाए। लेकिन इस मूवी के अंदर उस लेवल का नहीं दिखाया है, लेकिन ये दिखाया है कि लड़की के अंदर दिमाग है और वो दिमाग के साथ खेल कर सकती है। उस खेल के चक्कर में उसने पूरा आयरन सूट बना दिया, किसका, आयरन हार्ट का। तो भाई इसलिए इस बंदी का नाम आयरन हार्ट पड़ गया। तो भाई ये कुछ सिनेरियो इस मूवी के अंदर भी दिखाया गया। साथ साथ में बात कर लेते हैं, अब वकांडा असुरक्षित है और उसे अपने वाइब्रेनियम की रक्षा करनी है। लेकिन एक तरफ समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम कैसे मिला था उसकी भी कहानी है, पर लेकिन अब समुद्र का जो राजा है नमोर वो आ गया है अब, क्यों, क्योंकि उसने देखा है कि उसकी जो दुनिया थी वो अब तक छुपी हुई थी कई सालों से, लेकिन अब वो उजागर होने वाली है क्योंकि वाइब्रेनियम खोज लिया है USA ने, मतलब पूरी दुनिया के लोगों ने। अब वो चाहता है कि जिसने ये वाइब्रेनियम की मशीन बनाई है खोजने वाली उसे मार दिया जाए, इसलिए वो वकांडा के पास आता है कि भाई ऐसे बात है, आप लड़की को खत्म कर दो, मैं जो है आप पर हमला नहीं करूंगा, ना ही पूरी दुनिया पर हमला करूंगा, सबको छोड़ दूंगा। इसलिए वकांडा जाता है, आयरन हार्ट को लेकर आता है, उसे सुरक्षित करता है अपने पास। बाद सुरी नोमोर से बोलती है कि हम जो है तुम्हें लड़की नहीं देंगे, लेकिन हम उसे अपने पास रखेंगे, उसे हम जाने नहीं देंगे, चिंता मत करो, ये राज नहीं खुलने देंगे। लेकिन नोमोर नहीं मानता है। उसके बाद भाई बकचोदी शुरू हो जाती है। अब 3 दुनिया चल रही है, एक तरफ नोमोर की दुनिया, एक तरफ वकांडा, और एक तरफ चल रहा है पूरी दुनिया जो कि USA एज ए लीड कर रहा है। अब भाई सबको वाइब्रेनियम चाहिए, पर लेकिन दोनों के पास वाइब्रेनियम है जो कि नोमोर और वकांडा, लेकिन पूरी दुनिया जो जो कि USA लीड कर रहा है उसके पास वाइब्रेनियम नहीं है, उसे चाहिए वाइब्रेनियम। इस चक्कर में वो युद्ध करना चाहता है वकांडा के साथ, क्योंकि अभी तक USA को नहीं पता है कि जो उन्हें समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम मिला है वो वकांडा का नहीं कहीं और का है। उन्हें अभी तक यही लग रहा है कि उनके लोगों को जो मारा गया है उस वाइब्रेनियम को चुराने के चक्कर में, तो वो सारे के सारे वकांडा के लोग थे। भाई साथ साथ में इसके अंदर राजमाता भी दिखाएंगे जो कि हमारी वकांडा की रानी बनी ब्लैक पैंथर खत्म होने के बाद, रोमांडा। अब वो राजमाता हैं और वो पूरा का पूरा वकांडा चला रही हैं, और साथ साथ में वो उन्होंने पूरी क्लियरली धमकी दे दी है कि इतना मत समझना कि अब राजा खत्म हो गया तो हम ताकतवर नहीं रहे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम फोड़ कर रख देंगे। और भाई आप तो जानते हैं, तो ओके है तब तक भाई साहब पूरा वकांडा सुरक्षित है, ये फाड़ कर रख देती है बंदी, भाई साहब टकली है, पर लेकिन ये बंदी टकली के साथ साथ में उस टकले से जो है ना सिस्टम ला सकती है किसी के भी, और वो इसने करके दिखाया है। सूरी ने जो इजाद कर लिया ब्लैक पैंथर बनने का तरीका, अब वो ब्लैक पैंथर कौन बना, किसने ब्लैक पैंथर बनकर यह पूरा का पूरा वकांडा को बचाया, वो तो आप मूवी देखने तब पता चलेगा। साथ साथ में इसके अंदर नाकिया भी आई। अब नाकिया ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया अपना, और नाकिया का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आपको मिलेगा जहां पर बहुत सारे राज खुलेंगे, लगभग 5 मिनट का वो पोस्ट क्रेडिट सीन है, और उसमें आपको मजा आ जाएगा और अगली मूवी का भी संकेत मिल जाएगा। देखो भाई एम्बाको के बारे में बात करना, ये तो बंदा अलग ही लेवल का है, ये जब सामने खड़ा होता है सामने वाले का मुंह तो आराम से निकल ही जाता है, तो इसने यहाँ पर भी वही काम किया, मुंह निकालने में सबसे आगे, पेलने में सबसे आगे, लड़ाई करने में सबसे आगे, पर लेकिन बकचोदी करने में सबसे पीछे बिल्कुल नहीं रहता। अब बात कर लेते हैं भाई इस मूवी के सबसे मेन करेक्टर की, नाम है सूरी। ये बंदी ऐसी, इसने AI याद कर लिया, आप लोगों को मालूम ही है, और डेली टू डेली नए नए आविष्कार कर रही है, और भाई साहब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी को हाई लेवल बना लिया है, हो सकता है आयरन मैन को अभी टक्कर दे दे टेक्नोलॉजी में। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, मैं वकांडा की वाइब्रेनियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो टक्कर है ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर, मैंने बात की सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखते हैं आगे चल के कि ये कितना शानदार कर पाती है, लेकिन इनने यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए जिससे कि देखकर लगा कि हाँ भाई ये बंदी जो है ना बहुत शानदार काम कर रही है, और आने वाले समय में जो है ना फाड़ के रख देगी अगली मूवी में ये बंदी,
उसकी ताकत है, ऐसे ऐसे सूट बना के दे देगी सबको, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे देगी कि साला कोई गोली हो बम हो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई सिक्योरिटी बहुत शानदार टाइट कर देगी ये। पर लेकिन अब जो है लोग वकांडा को जान चुके हैं कि वकांडा के अंदर वाइब्रेनियम में किस तरह से जाना है, किस तरह से आना है, तो ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। बाकी नोमो की कमजोरी भी दिखाई गई कि नोमो को कैसे मारा जा सकता है, या फिर उसके अंदर की जो लोगों की फीलिंग्स दिखाई गई हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं एक अलग दुनिया दिखाई गई है नोमो की पूरी, पूरे अंडर वाटर काफ़ी लंबे लंबे सीन्स दिखाए गए हैं, काफ़ी देर देर के पानी के अंदर सीन्स बनाए गए हैं। और बात करें ग्राफिक्स की, शानदार काम किया गया, बीएफएक्स लाजवाब काम किया गया है। थोड़ी सी कमी की बात कर लूँ, बात करें बैकग्राउंड साउंड की, तो बैकग्राउंड साउंड कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, पर लेकिन बहुत जगह ऐसा ऐसा यूज़ किया है कि साउंड ही यूज़ नहीं किया है। मतलब आप ये समझ लीजिए बिल्कुल शांत, कुछ ऐसा मतलब बंदा सामने बैठा हुआ है देख रहे हैं, वहाँ पीछे हल्की सी टोन लगा दे मैं थोड़ी बैकग्राउंड की या फिर फीलिंग के साथ में कि इमोशन जो चल रहे हैं उस इमोशन के लायक कोई साथ में लगा दें, पर लेकिन नहीं, कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल शांत शांत चल रहा है बिल्कुल। ये लगा दीजिए पीछे की हवा तक की आवाज़ नहीं आ रही, ये तक काम क्या है, ये थोड़ी सी मुझे कमजोरी लगी। देखो बहुत लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ये कमजोरी लगी। बाकी देखो यही मेरा रिव्यू था जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि मूवी आप देख सकते हो, एक शानदार मूवी बनाई है। 18 से कंपैरिजन करोगे तो उससे थोड़ी डाउनग्रेड है, पर लेकिन भाई साहब मूवी शानदार है। क्योंकि मार्वल की मूवी देखनी है तो सारी की सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में सारी की सारी इंटरकनेक्ट होती हैं। एवेंजर्स जब आने वाली है, अगली जो दो एवेंजर्स इन्होंने अनाउंस कर दी हैं, तो भाई सिंपल सी बात है उनमें सारे के सारे ये कनेक्शन जुड़ने वाले हैं, तो भाई हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा और मूवी तो हमें देखनी ही पड़ेगी सारी की सारी। तो भाई देखो यही मेरा रिव्यू था, तो अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपका ही शानदार शानदार जानकारी लाता हूं पंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।